क्योंकि मुझे चोट लगी थी, आप क्या काट सकते हैं? आज भोटिया ही भोटियाँ खाएंगे ये बच्चे। ये भी पुलाव है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये मीठा चेक करें माशाल्लाह, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद हम व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मुझे चोट लगी थी, आप क्या काट सकते हैं? तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। आज हमारे यहाँ है मिलाद पाक, तो मैंने कहा वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँ। आज बोटियाँ ही बोटियाँ होंगी, बोटियाँ ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, माशाल्लाह प्लेटें लगी हुई है। ये है देहात की असल खूबसूरती, इससे माशाल्लाह दो ट्यूबवेल चल रहे हैं, एक प्लेटें ये हैं और एक सेटअप हमारा वो लगा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। हाँ तो दोस्तों देखें, आ चुकी हैं और बोटियाँ ही बोटियाँ होंगी आज, तो मज़े ही मज़े होंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, देखें आ चुकी हैं और ये बोटियाँ इसमें तैयार हो रही हैं। खोला था उसे। हाँ तो दोस्तों देखें आ चुकी हैं माशाल्लाह, आज बोटियाँ बोटियाँ होंगी, आज मज़ा आएगा। ये चेक करें माशाल्लाह, बोटियाँ अभी पक कर तैयार होने को हैं। अभी हम फ्रेश हो ले तो फिर आपसे मिलते हैं। आप मैं अभी स्विमिंग पूल बनाया हुआ छोटा सा, वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ से फ्रेश होते हैं फिर आपको मिलते हैं आपके साथ। माशाल्लाह सैफुद्दीन भाई मिलाद के लिए काम कर रहे हैं, सवाब का काम है भाई, लगे रहो ठीक है। और ये चुंडो मुंडो पे काम पे लगे हुए हैं, काम कर काम कर, देखा साफ कर। हाँ तो दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं माशाल्लाह पानी भरा हुआ है, ये हमारा छोटा सा स्विमिंग पूल है जिसमें हम नहा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों नहा नू के फ्रेश फ्रुश हो के ये देखें माशाल्लाह चेक करें। अभी हम चल रहे हैं जहाँ पे काम हो रहा है हमारी ब्लॉक पाका, वहाँ पे चलते हैं। ये देखें मेरा कज़न रो रहा है, इससे पूछते हैं क्यों रो रहे हो, क्या है, क्यों रोना पी, क्यों रोना पी, क्यों रोना पाए, क्यों रोना पाए। ये बच्चा अपने बाप से नाराज़ हो गया है कि मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं इधर नहीं रहता। आप देखें ये ज़मीन पर लेटा हुआ है गुस्से में, इसका दूसरा भाई से मार रहा है। हाँ तो दोस्तों आप पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारे देखो का काम हो रहा है, देखे वगैरह पकड़ी है, आप पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी तीन देगे लगी हुई है गोश्त की, फिर चावल भी बनेंगे, मीठे चावल पुलाव वगैरह चील बनेगी, ये चेक करेंगे तीन देगे। तो ये प्लेटें चेक करें माशाल्लाह, चलते हैं सुहेल भाई के पास, उससे पूछते हैं कि कितनी देर बना रहे हैं और कितनी देर में बन जाएंगे। सुहेल भाई क्या हाल है, जो क्या देगा पकने को, आठ गोश्त वगैरह पक चुके हैं, सीना पहले क्या मीठा था, जो क्या पकने पे अच्छा था, देखते हैं शाम मतलब 3 बजे तक पकते थे। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ी हो माशाल्लाह, ये सुहेल भाई हैं, ये इसका काम करते हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं हमारे भाई। हाँ तो सुहेल भाई से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि आपने जो वक्त दिया है उससे पहले मैं बनाकर आपको तैयार करके दे दूँगा। 8 देगे बना रहा है, 2 मीठे की और 6 दूसरी पुलाव की और 1 देग गोश्त की। तो जैसे जैसे आगे रूटीन बनता है हम आपके साथ शेयर करते हैं।
अभी हम चल रहे हैं जुम्मा नमाज पढ़ने। माशाल्लाह ये आम का तरह चेक करें, बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। खैर नहीं दोस्तों, हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारी देगें वगैरह बन रही हैं, तो हम चेक करते हैं कि देगें बन चुकी हैं कि नहीं, गोश्त बॉयल हो चुका है कि नहीं। माशाल्लाह बोटियां ही बोटियां खाएंगे ये बच्चे। सुहेल भाई बोटी चेक कराना, बॉयल हो चुकी है कि नहीं। अभी थोड़ी सी देर है ना, बस बॉयल होने वाली है, इसके बाद फिर देगे बनेगी चावलों वगैरह की, और ये बच्चे भी बोटियां खाएंगे। हाँ बोलो क्या खाओगे? हाँ तो दोस्तों ये बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड है कि हम बोटियाँ खाएंगे। अभी देखें बन रही हैं, कैसे बन जाएंगे, फिर कब खाएंगे, अल्लाह पाक के नाम से हम आस पास कर रहे हैं। तो फिर आगे जो रूटीन बनता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह ये देखें सैफुद्दीन भाई भी आज काम पे लगे हुए हैं। माशाल्लाह सैफ भाई, अल्लाह के नाम से काम हो रहा है तो आप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आमीन। आपका अपना काम है कोई नहीं, लेकिन कितनी देर में ये काम मुकम्मल हो जाएगा? ये भाई तकरीबन 2-2:30 बजे ना तमाम देगे भी पक जाएंगी, बिरयानी वाली और मुर्गे बड़े गोश्त वाली भी देगे हैं। बोटियां बोटियां होंगी, बोटियां बोटियां भी होंगी इंशाल्लाह। ये बच्चे भी काफी एक्साइटेड है, बोटियां बोटियां लगाए भाई। ये देखे और ये वाला देखें। और दोस्तों हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये हमारा स्विमिंग पूल है, अभी आपको चेक कराते हैं। ये हमने छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, पानी का काफ़ी शोर है, हवा भी माशाल्लाह काफ़ी चली हुई है। आपको लग रहा है माशाल्लाह ग्रीनरी चेक करें, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। मजदूर काम कर रहे हैं, हाँ तो दोस्तों ये मीठे चावलों के जो चावल हैं उनको उबाल लिया और ये चेक करके निकाल रहे हैं। माशाल्लाह दोस्तों देखूँ का काम जारी है, सारी है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और मैं प्लेट की छाँव में खड़ा हुआ हूँ, ये देखो मेरे पीछे प्लेट है। माशाल्लाह गिनने हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 प्लेटों का ये फ्रेम है और 20 प्लेटों का फ्रेम दूसरी साइड पे है। ये देखें माशाल्लाह देखो पे काम हो रहा है। अभी मीठे चावल बन रहे हैं और गोश्त को भी बॉयल किया जा रहा है, बस गोश्त बॉयल होने वाला है तो फिर इसके बाद पुलाव बनेगा। आज मज़ा आने वाला है, गोश्त बॉयल हो चुका है, अब गोश्त की देख को उतार दें। हाँ तो दोस्तों अभी चलकर देखते हैं गोश्त को कि अच्छे से बॉयल हुआ है कि नहीं है, अभी चलकर देखते हैं। माशाल्लाह गोश्त बॉयल अब हो चुका है। हाँ भाई बोटियाँ खाने आए हो? बादशाह से बॉयल हो चुका है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि गोश्त अच्छे से गला है कि नहीं, माशाल्लाह सही से बॉयल हो चुका है, ये चेक करें। हाँ तो दोस्तों ये सामने काम हो रहे हो, हमारे ये लड़के हमारे पीछे बैठे हुए हैं। हाँ भाई बोटियाँ खानी है आप लोगों ने? तो फिर काम करो, चलो जाओ काम करो। अगर आप लोग काम करोगे तो आपको बोटियाँ मिलेंगी, चलो जाओ काम करो, चले जा काम कर, चलो ठीक है फिर काम कर। ये देखें सामने देगे वगैरह बन रही हैं, तो हम अभी अपनी प्लेटों की छाँव में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह काम तेज़ी से जारी है, 4 देगे बन चुकी हैं, बाकी 4-5 रहती हैं वो बन जाएंगी टाइम से पहले पहले। हाँ तो दोस्तों माशाल्लाह देगे शेगे पक कर तैयार हो चुकी हैं, अभी आपको दिखाने लगे हैं। ये देखें
हाँ सी दम के जाए रखा है इंदा पट्टी दम चेक कर सक दू माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है। अब मीठा भी चेक कर लेते हैं। ये भी पुलाव है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह आवाम भी आना शुरू हो चुके हैं। ये चेक करें, ये मीठा चेक करें माशाल्लाह, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। चावल लड़के ने बहुत अच्छे बनाए हैं।